धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। वक्त चीन से तनातनी का है, पाकिस्तान से पहले से ही तनातनी चल रही है, तो क्या ऐसे में हमारी जो फौज है वो मजबूत नहीं होनी चाहिए? और अगर उनमें कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, क्या उनको दूर नहीं किया जाना चाहिए? क्या अगर वहां पे लोगों की कमी है तो उनको क्या पूरी तरह से भर्ती करके व्यवस्थित रूप से सुचारू नहीं किया जाना चाहिए? ये तमाम सवालात हैं। और इन्हीं सवालात को लेकर 12 नवंबर को दिल्ली के राजघाट पर एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। क्या है उस प्रदर्शन का मकसद और क्यों किया जा रहा है वो प्रदर्शन? और क्या सरकार को चिंता नहीं है? चाइना से, पाकिस्तान से टेंशन चल रही है कि अगर कोई खाली पद पड़े हैं या कुछ कमियां खामियां हैं उनको दूर किया जाए, उसके लिए प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं रणबीर सिंह जी, जो सीआरपीएफ के रिटायर्ड अधिकारी हैं और लंबे अरसे से सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेज जितने हैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इनका संगठन आए दिन जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी करता रहता है। हालांकि आजकल कोरोना है तो उस वजह से ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने मैदान में उतरने का निश्चय कर लिया और इस बार जगह चुनी है राजघाट। तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या है आपका ये प्रोटेस्ट और क्यों आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहले तो धाकड़ खबर को जो है बहुत सैल्यूट और सलाम के एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आप देश का और राजनेताओं का ध्यान भी जाएगा। सर, 2018 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सिपाहियों के लिए 60,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, मानेवर आज 2020 अपने लास्ट उसमें चल रहा है और ये प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। और जिस इस प्रक्रिया को लेकर, इस देरी को लेकर डीजी सीआरपीएफ से हमारी मुलाकात हुई प्रतिनिधि मंडल की, क्योंकि वो इसके नोडल ऑफिसर नियुक्त किए। प्रधानमंत्री जी को जब हमने 8 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बोला गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना जो गले का वो हार है वो डीजीसीआरपी पे कर दिया। और जब डीजीसीआरपी की तरफ से आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दें कि उनका हमारे पास जवाब आया कि भाई नोडल ऑफिसर तो बीएसएफ है, तो इनको यही नहीं पता कि नोडल ऑफिसर कौन है। और इस विषय को लेकर हमारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी बात हुई। अब सवाल ये है कि चाइना जहां पे तनातनी चल रही है सरहदों पे, ये राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। कोरोना के नाम पे राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ मानने पर नहीं होना चाहिए। आज 60,000 बच्चे जो कि अपने पूरे फिजिकल मेडिकल सब एग्जाम पास कर चुके हैं, आखिरी प्रक्रिया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि 85,000 मेडिकल फिट हो चुके हैं लड़के। 60,000 की वैकेंसी है सर। ठीक है। और गृह राज्य मंत्री ने हालिया संसद में बयान दिया कि 1,11,000 वैकेंसी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाही के पद पे हैं। जी, तो फिर 85,000 को आप ले लीजिए ना, 25,000 तो और आपने लेने हैं। तो इसमें तो कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं, जहां बिहार में जाके 19 लाख रोजगार देने की बात करते हैं और जो कोरोना के नाम पे और सरहद के साथ ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम 12 नवंबर को महात्मा, जो इस सदी के संत बापू की समाधि पे जा रहे हैं, जबकि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, हमने मेल भी की कि मानवर इस गंभीर मसले पे, क्योंकि ये देश के युवाओं का सवाल है, प्रधानमंत्री तो युवाओं की बात करते हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है सर, इसलिए हम कहां जाएं बापू के सिवाय। दो चीजें आपकी बात से निकलती हैं सर। एक तो आप एक रिटायर्ड, खुद एक फौजी हैं, सीआरपीएफ वालों को भी लोग फौजी कहते हैं इसलिए मैं फौजी कहता हूं उनको भी, क्योंकि असल में बॉर्डर पे वही रहते हैं, आर्मी तो पीछे ही रहती है, तो असल सामना सीधा सीधा आप ही लोगों का होता है जितने भी पैरामिलिट्री वाले होते हैं।
दो चीजें पर आपकी बात से निकल रही है। एक तरफ आप बॉर्डर को लेकर चिंतित हैं जो चाइना से तनातनी चल रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है उसको रोजगार मिल जाएगा। तो दोनों चीजों को जरा क्लियर कीजिए, आपका असल मुद्दा है क्या? देखिए ये बात बहुत लोगों ने हमसे पूछी कि भाई आप इस अलग अपनी लीक से हटकर आप कहां जा रहे हैं, माने वो अर्ध सैनिक हूं, फौजी तो नहीं, आधा फौजी हम कह सकते हैं। ये जो 60,000 युवा या 85,000 मेडिकल फिट युवा जिनकी हम बात कर रहे हैं कि भाई इनको नियुक्ति पत्र दे सरकार, कल ने अर्ध सैनिक बलों के ये लोग हिस्सा बनेंगे और वो हमारे ही परिवार में का एक महत्वपूर्ण अंग होंगे। तो हमने ये चाहा कि क्यों न युवा जो कल हमारे ही बलों के अंग बनेंगे, कल सरहदों के चौकीदार बनेंगे। माननीय तो भूल गए प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा उनके लिए भी दिया जलाया जाए। दिया तो तब जलाया जाए ना जब उनकी पेंशन, आप जिनके साथ में दिवाली मनाते हैं, शायद इस बार मैं तो चाहूंगा कि नक्सल बाहुल क्षेत्र में सीआरपीएफ के साथ मनाए। तो हम इस मुद्दे को लेकर आए कि भाई, और सर पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, त्रिपुरा से लेके और जेएंडके भी, आज मेरी बात हुई सर, बहुत बच्चे परेशान है। और अगर ये लोग भर्ती नहीं हुए जो 3 साल लंबी प्रक्रिया है सर, 2/3 से ज्यादा बच्चे ओवर एज हो जाएंगे सर। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे सर, बहुत मतलब बच्चे रो रहे हैं जिनके पास जेब में पैसे नहीं है सर, और वो कह रहे हैं सर हम आए तो लेकिन हमारे पास किराया नहीं सर। तो माननीय प्रधानमंत्री तक आपके चैनल से आवाज तो जानी चाहिए धाकड़ न्यूज की। जी क्या आपको लगता है माननीय प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं है, उनको कोई इल्म नहीं है? आप ही बता रहे हैं कि आपने लेटर लिखा अगस्त में, उन्होंने उस लेटर को भेज दिया एसएससी के पास, एसएससी ने उस लेटर को भेज दिया सीआरपीएफ के डीजी के पास, सीआरपीएफ के डीजी कह रहे हैं भैया मैं तो हूं ही नहीं, बीएसएफ के डीजी के पास जाओ। तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है और आपको उनको एहसास दिलाने के लिए, जगाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? नहीं देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को बिल्कुल मालूम है, और ये जो है ये चिट्ठी गृह राज्य मंत्री और गृह मंत्री और सबको दी गई है, इवन पुलिस प्रशासन को भी, पुलिस कमिश्नर को भी, होम सेक्रेटरी को भी, और सबको मालूम है। अभी हमारी होम सेक्रेटरी कार्यालय में भी बात हुई आपके माध्यम से, हमारी 3 दिन पहले जो है ना अपने अमित शाह जी के पीए साहब से भी बात हुई कि भाई हमें आप बुलाइए ताकि इस ये जो गंभीर मसला है और अर्ध सैनिक बलों के और भी मसले हैं तो उनके ऊपर चर्चा हो सके। आज तो बल्कि मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहूंगा, मेंबर पार्लियामेंट का हम जिक्र नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको धरने प्रदर्शन को रोक दीजिए तो अच्छा रहेगा। हमने कहा सर धरना प्रदर्शन तो तय तिथि 12 नवंबर को होगा ही, तो बोला नहीं हमारी मंत्री से हम बात करवा देंगे, कि मंत्री मशहूर मंत्री का नाम लिया। मैंने कहा क्यों ना धरना प्रदर्शन में मंत्री जी को 12 नवंबर पे उधर ही राजघाट पे आके और वो खुद कह दें कि भाई ठीक है हम 25,000 युवाओं को नौकरी देंगे जो मेडिकल फिट, 60,000 की तो वैकेंसी है ना सर, तो उधर ही ले आइए, वो सबसे अच्छा रहेगा सर। क्या आप देश को बदनाम नहीं कर रहे हैं, देश के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं? चाइना के टीवी चैनल अखबार वाले इस खबर को कैसे दिखाएंगे कि सरकार में जो है भर्ती नहीं कर रही है और वहां पे युवा कह रहे हैं वो फौज में भर्ती होना चाहते हैं, यानी कि इंडिया की फौज जो है वो कमजोर है, उसके पास पूरी ताकत नहीं है? आप गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं? नहीं साहब, ये तो हम सरकार को और आगाह कर रहे हैं कि अगर हमारे ये 85,000 हमारी सरहदें तो सुरक्षित हैं अर्ध सैनिकों के कारण, क्योंकि फौज पीछे रहती है, तो ये तो हम तो और उनका जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई जितने 80,000 अगर जवान आईटीबीपी को दे दीजिए जो बर्फीले हिमालय में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चाइना का भूभाग जहां लगता है, देखिए ना कैसे ड्रैगन हड़बड़ाएगा। आज कल गृह राज्य मंत्री जी ने, मैं आपका ध्यान और दिलाऊंगा, आईटीबीपी की परेड में उन्होंने कहा कि भाई हमने 47 बीओपी बना दी है, और मतलब बॉर्डर आउटपोस्ट सर, 47 नहीं कम से कम 300 बीओपी की जरूरत है और कम से कम भी 100 नई बटालियन, 85 एक बटालियन में 1,000 सिपाही होते हैं साहब,
85 बटालियन तो तैयार है ना, जब 85,000 जाएंगे तो जिनके साथ झूला झूले था ना जिनपिंग, वो जो है हड़बड़ाएगा कि यार ये क्या हुआ। तो हम तो सरकार से आपके माध्यम से कह रहे हैं कि नहीं, सुरक्षा को बहुत मजबूती दी जाए और इन जवानों को जो है रोजगार दिया जाए, और अगर सरकार ऐसा करती है तो ये दिवाली आप सरहद पे मनाएंगे, पूरे देश में दिवाली मनेगी कि ये एक बड़ी बात। दीपावली से ठीक दो दिन पहले 14 तारीख की दीपावली है, 12 तारीख को आप राजघाट से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको उम्मीद है प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री या रक्षा मंत्री कोई नोटिस ले गए, जो दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया है, तब तो बिहार चुनाव भी खत्म हो चुका होगा। हालांकि उस वक्त ये बात चल रही होगी कि किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उन्हें नया काम मिल जाएगा, वहां पे फोकस करेंगे। देखिए जो मीडिया का जो इतिहास जो पिछला रहा है, हमें तो नहीं लग रहा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे मीडिया ध्यान दिलाएगा। आप जैसे जो दर्दीले हैं वो जरूर आएंगे, आपका तो न्योता होगा ही होगा, लेकिन गुंजाइश कम लग रही है सर, क्योंकि जो पिछले 4 साल से जो चल रहा है, जो जरूरी मुद्दों पे मीडिया ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य होगा कि अगर मीडिया ने इस बार साथ नहीं दिया, क्योंकि ये युवाओं की बात है और इलेक्शन खत्म हो चुके होंगे जैसा आपने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाए, आपको बताया जाए आप देश को बदनाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप किसी राजनीतिक पार्टी के सहयोग से ये सब कर रहे हैं, कोई विदेशी फंडिंग जुटा के आप सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए। नहीं नहीं ऐसा अगर होता है तो अगर देश की युवाओं की बात उठाना, जिनको कल ने चौकीदारी देश की संभालनी है, अगर ये अपराध है तो ये गंभीर अपराध हम बार बार करें। अर्धसैनिक हूं और अर्धसैनिकों की आवाज बराबर हम पिछले 6-7 साल से, आज भी हमने ट्वीट किया जिसमें बहुत सारे सैकड़ों ट्वीट वो आगे लाइक और रिट्वीट, हम कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप अर्धसैनिक बलों के मसलों को सुलझाने के लिए कुछ जो जरूरी मुद्दे हैं, चाहे शाही अचादत में भेदभाव होता है, जवानों की पेंशन नहीं है, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड नहीं है, हमारी दूर दराज में सर CGHS डिस्पेंसरी नहीं है, तो इन मुद्दों को लेकर कम से कम आप हमें भी बुलाएं ताकि हम आपको हकीकत बताएं। और देशद्रोही नहीं, मैं नहीं समझता अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा करती है तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर चिंता का विषय होगा। लेकिन हम तो यही है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी दिल जमाने के लिए आइए उन युवाओं की आवाज उठाएं जो आज बहुत बुरी कंडीशन में, और जिन्होंने पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे हैं सर, लंबी प्रक्रिया हुई है आप समझ सकते हैं, और ये 2015 वालों के साथ भी हुआ जब 5,000 जवान हमारे ओवर एज होकर चले गए, कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनके फेवर में मुकदमा मतलब फैसला दिया, लेकिन सर उनको भी आज तक नहीं लिया। आपको लगता है सरकार सुनेगी या सरकार सुनती है, क्योंकि वो पुलवामा मामला भी कोई भूला नहीं है, क्या आपके CRPF के जवानों को शहीद का दर्जा मिल गया? सर बिल्कुल नहीं, शहादत में बहुत भेदभाव है। हमारे जवान बस एक बार आते हैं राजनेता के भाई शहीद हो गए और उनकी शहादत को भुला दिया जाता है सर, फिर कोई और नया शहीद हो जाता है। ट्वीट किया, एक ये नया ट्रेंड चल गया कि ट्वीट किया और चलते बने सर, आए दिन अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हो रहे हैं सर, 34,000 जवान आजादी के बाद, आज तक कोई बताए तो सही कि जो नक्सल बाहुल क्षेत्र में जो 76 CRPF के जवान शहीद हुए थे सर 2010 अप्रैल, सर कोई बताए कि वो किस अवस्था में है, उनकी विधवाएं जो हैं, उनकी माँ, उनके बच्चों की शादियां, उनकी शिक्षा दीक्षा कौन कराए, कोई बताए तो सही। नहीं सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो। चलिए आपके हौसले को सलाम है, हम भी लोगों से अपील करेंगे कि 12 नवंबर को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें दो चीजें निकल के आ रही, एक तो सीमा की चौकसी बढ़ेगी, चौकीदार हमारे पास मजबूत आएंगे, नहीं तो उनकी उम्र निकल जाएगी, वो ओवर एज हो जाएंगे। दूसरा, कम से कम जो लोग बेरोजगार हैं पिछले 3 साल से, तमाम
जितने भी कंपटीशन है रिटर्न का, फिजिकल का, वो सब पास कर चुके हैं, मेडिकल का पास कर चुके हैं, उनको जॉब मिले। मिलने की कोशिश करेंगे आपसे हम भी, 12 नवंबर को वहां पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए।